जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजय पथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का स्वागत है। आज हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया गया था 3 जुलाई 2022 को। सो उसकी आंसर की मैं आज आपके सामने जो है वो लेके आया हूँ। सो सीरीज सी की आज यहाँ पे हम आंसर की डिस्कस करेंगे। आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग जो है वो इन आंसर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीके के पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा राज्य जो है वो सबसे पहले स्थान पे रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केरल। आई होप आपका भी क्वेश्चन ये जो है वो बिल्कुल सही रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, यूनिक टाइप से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया था। ये 26 जनवरी 1950 से रिलेटेड ये क्वेश्चन था और इन्होंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि राजनीति में हमारे पास जो है वो समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। इसका जो श्रेय है वो किस महान व्यक्ति को दिया जाता है? तो उनका नाम है भावा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल हो सकता है? तो इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो सकते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब पहला और दूसरा बिल्कुल सही था। तो इसका जो राइट आंसर रहना था वो था आपका ऑप्शन डी। काफ़ी यूनिक लेवल के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे थोड़े हटके जो है वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। उसके बाद काफ़ी इजी क्वेश्चन था हिमाचल से रिलेटेड, हिमाचल का राज्य पक्षी कौन सा है? तो अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर है पश्चिमी जजुराना वेस्टर्न ट्रेपोगन, इसका राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव था हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है वो तय करता है? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। उसके बाद था कि कोल डैम हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी सतलुज नदी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन्थ था, मिट्टी चीका या मृतिका जिसको हम क्ले बोलते हैं की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क मौसम में इस मिट्टी की चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और ह्यूमस की इसमें जो है वो कमी होती है। तो ये मिट्टी जो है वो कहाँ पे यहाँ पे पूछी गई थी कि ये कपास सबसे परंपरागत फसल है और इसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो था आपका ऑप्शन डी काली मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्थ, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का ये पूछा गया था, भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी IIT मद्रास में इसका सफल परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, किसका उद्देश्य जो है वो अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब बनाना है जो कि उपयोगकर्ताओं और उनके डेटाओं को पहचान के नियंत्रण में रखता है? तो उसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन वेब 5.0, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर टेन था, पराशर झील के किनारे बने मंदिर की शैली क्या है? तो ये जो है वो पगोड़ा शैली के नाम से काफी प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में आने के लिए कब भेजा गया था? तो 1942 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित था? काफी डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था और काफी डीप क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा गया है। तो IPC की धारा 377 में जो है वो ये मामला जो है वो संबंधित है। उसके बाद है, कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो इसका जो हिंद स्वराज है ऑप्शन सी, ये बुक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद पुलिस से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस स्मृति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 21 को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, अक्टूबर 21 को ये मनाया जाता है। बंदली वन्य जीव अभ्यारण जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। आई होप आपका ये राइट आंसर रहा होगा। उसके बाद है, कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है, मतलब कौन उनका जोड़ता है? तो वो आपका था कुंजुम दर्रा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपका जीके का जो 16 मार्क का पोर्शन था उसमें कम से कम आपके 12 प्लस क्वेश्चन जो है वो रहे होंगे। अगले पोर्शन की बात करते हैं, अगला है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 था, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर है 19 का
ऑप्शन ए टू गिव अप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 था, इसमें आपको सिनोनिम्स जो है वो ढूंढने थे, तो 20 का जो राइट आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर डी एप्पल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 था, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ए एनलाइटनिंग। उसके बाद है सुपीरियस, क्वेश्चन नंबर 22 था, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, एंटोनिम्स आपसे इसमें पूछे गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी पीस। उसके बाद क्वेश्चन 24 का जो था वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आई होप आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है कंसाइज आपसे पूछा गया था, तो लेंथी इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ग्रामर से क्वेश्चन थे आपके, 26 का जो राइट आंसर है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछे गए थे, तो अबे फ्रॉम जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का इजी था ये, इसका आंसर रहेगा ओन। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन बी है लुक इनटू, ये राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका आंसर रहेगा आपका पुल आउट। पुल आउट ये प्रपोजिशन से भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। उसके बाद एक्टिव पैसिव से आपका क्वेश्चन जो है वो आया था। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, आई रिमेंबर बींग टेकन टू म्यूजियम बाय माई सिस्टर। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर था। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आई आस्क्ड माय सिस्टर आई हैव यू रिटर्न द मोबाइल फोन टू योर फ्रेंड, ये इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो सॉरी 32 है आपका क्वेश्चन नंबर ए, तो 32 का जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हिंदी के सेक्शन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 जो था इसमें आपको बोला था कि किसे वशवर्ती बनाना कठिन होगा, तो दुर्शत जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद था जो किसी पर अभियोग लाता हो, तो वो है ऑप्शन आपका सी बादी। उसके बाद जिसमें तैरने की इच्छा हो तो उसको बोला जाता है तितिर्षा। और उसके बाद है सांझ और रात के समय, तो ये है आपका गोलुधी सॉरी गोधूली। और ये जो है वो शादी के टाइम भी आपको पता होगा, यहाँ पे इस समय का जो है वो यूज़ किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है जिसका विभाजन ना किया जा सके, काफ़ी इजी था अविभाज्य। उसके बाद है जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, जैसे दुर्गम रास्ता है मतलब कि वहाँ पे पहुँचना काफ़ी कठिन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आग्रह। इसका आपको बोला गया था बिने पूर्व किया गया हट, तो वो है निवेदन या फिर आपसे बोल सकते हैं आग्रह करना। उसके बाद मन को लुभाने वाली वस्तु, तो उसका राइट आंसर रहेगा मनोहर। इजी क्वेश्चन थे, जिसका अनुभव किया गया हो, तो अनुभूत ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 3 माह में एक बार होने वाला, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, त्रैमासिक। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 43, भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है, तो उसमें आपको बोला है व्यवहार और अलंकारिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। उसके बाद चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा एक था, इसका राइट आंसर रहेगा क्षमता से अधिक व्यय करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आकाश से बातें करना, तो ये आप सब मुहावरा था, इसका जो आंसर था वो है आपका बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 47 की बात करते हैं, कौन सा क्रांति शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं के लिए बोला गया है, तो समृद्धि इसका राइट आंसर रहेगा। और उसके बाद कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो वो आएगा आपका जलज, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद मैथ के लिए आपको कुछ ही टाइम में वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी मैथ के सेक्शन की। उसके बाद साइंस की बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग की जो है वो आपको वीडियो जो है वो कुछ ही टाइम में देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पे। साइंस जो है इसमें सीरीज सी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 से आपकी साइंस जो है वो स्टार्ट की गई थी, तो काफ़ी अच्छी साइंस यहाँ पे पूछी गई है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म किया जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो है आपका ऑप्शन बी लंबी तरंग स्थलीय विकिरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 था, नगन बीज वाले लकड़ी के तनों वाले सदाबहार पौधों को किसमें
क्लासिफाइड किया जाता है, तो जिम्नोस्पर्म्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, कौन सा कोशिकीय अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो वो सेल बॉल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद रात को तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपका ऑप्शन डी में यहाँ पे बैठा था, तो ऑप्शन डी 60 क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल, तो इसका राइट आंसर है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है सिरके का व्यापारिक नाम क्या है, तो विनेगर का व्यापारिक नाम है एसिटिक एसिड, जो कि आपका सिरकामल है, ऑप्शन डी। उसके बाद था आपका पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो जाइलम जो है, ज से जाइलम और ज से जल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। और फ्लोएम से जो है वो भोजन जो है वो पौधों द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 था, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है आपका एल्वियोली, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये आपका जनरल साइंस का पार्ट था, उसके बाद जो है वो आपका एक रीजनिंग और मैथ का पोर्शन बचा है, उसके लिए कुछ ही टाइम में आपको बीडी जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप आपके जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए गए हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हों। जल्दी ही नई बीडी के साथ मिलेंगे, बीडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और विजयपथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिमाचल।